और मान लो सही लली भई सियानी भैया ऊपर यो की सुता मेरी है गई रे के कही रही भूप की मुल्ली मनोर मधुसूदन यशोदा नंदन देवकी नंदन जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण मेरी बेटी के पर है। और जो श्री कृष्ण का नाम सुना इतनी खुशी हुई, इतनी दिल में खुशी हुई, बोले मेरे प्रभु भगवान कन्हैया अगर मेरी बेटी के पर बनेंगे तो जिंदगी मेरी में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन एक बात और बताऊं, जवाब ध्यान में रखियो, पहले की बिटियन की जांच कैसे होती कि जो शादी लायक भैया या ना भैया। पहले ये 10-11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये गुड़िया गुड्डा का खेल बहुत खेला करती थी, ताकि माता पिता को पता चल रहा है कि मेरी बिटिया अब शादी लायक हुई है। वो अब गुड़िया गुड्डा का खेल गायब हो गया, अब तो एक गुड्डा ही धरो रहा था, बस भाई से फुर्सत ना, अब तो इंतजार हो रहा है, अगर शादी हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही थोड़े दिन इंतजार हो रहा है। चल भाई ठीक है। अब तो देखो मेरी बात, बुजुर्गों से निवेदन है, मेरी बात बुराई मत मानना, सच बात हमेशा कड़ी होती है। और सुनील चैतन्य की आदत एक ऐसी है कि मैं कभी छुपाता नहीं हूं, मैं कहता हूं, साफ कहता हूं। और दूसरी बात, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है कि कुआरी लड़की को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये श्रृंगार किसका है मालूम है? ये पति का श्रृंगार है। और जब तुम कुआरे पे श्रृंगार बनाए डूर नहीं हो तो जाकर मतलब जो मान लो तुमने कोई पति चुन लो तो श्रृंगार बनाए पता। इसलिए कुआरी लड़की को श्रृंगार कभी जिंदगी में बताया है, जब हमर पड़ जाए तब। अविवाहिता लड़की के लिए ऐसा काम नहीं बताया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे इतनी बात कहने के बाद महाराज भीष्मक तुरंत कचहरी के लिए चले गए। और महाराज भीष्मक ने विनोद भैया अपनी कचहरी में सबसे पहले सलाह किनकी ली, परामर्श किनका लिया? अपने मंत्री का। और मंत्री को बुला लो, जवाब दिया मंत्री, कहिए सरकार तुम्हें मालूम है हमारी बिटिया शादी लायक हुई? शादी लायक? हाँ। कितनी उम्र है तुम्हारी बिटिया की? मेरी बिटिया की उम्र हुई है 18 साल। 18 साल, लड़का 20 साल को होना चाहिए? 2 साल को बड़ो ही हुए बिटिया से। कितनी पढ़ी लिखी है बिटिया ने? हमारे ने PhD कर ली। अबे PhD ना कर पाई लला, एंटर ही कर पाई, कुछ उम्र कम है, कितना वजह से बुलाना है पाई 2-4 क्लास।
खूब बुलाई पर का करे हम, तो लड़का बीए पास होना चाहिए, बीए पास तो होना चाहिए, बस तो ही होना चाहिए। हां तो ऐसा करो महाराज, लड़का 20 साल बीए पास, परसेंटेज भी देखी जाएगी। हाँ परसेंटेज बिटिया की परसेंटेज का है, परसेंटेज हमारी बिटिया की तो खूब अच्छी है, लेकिन तुम अपने लड़के के बारे में ऐसा करो महाराज, चार चार साल पांच पांच साल विचार कर लो। तो का मतलब? मतलब उम्र 20 साल है तो रही है, लड़की एक है तो अपने चार लड़के क्या करेंगे? अरे उम्र उम्र से मतलब हो, एक चाहिए पूरा, एक लड़की है तो एक चाहिए, 10 साल के दो कर ले तो। अरे भगवान 10 साल के करेंगे क्या दो? एक मैंने कहा ना, एक एक लड़की तो एक, वो अगर दो लड़की होती तो दो की बात चला दे, एक ही चाहिए तो एक चाहिए तुम्हारा। जैसे करो जरा संत के संग करते, जरा संत के साथ हम ना ही करें, काय बस हमारे विचार ही ना मिले, तो दुर्योधन के संग करते, दुर्योधन के साथ उनके साथ भी नहीं करेंगे, काय बात का ना 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 विचार नहीं मिले, तो भीम के संग करते, भीम वैसे हैं तो ठीक, भीम के साथ हम कर तो देते, पर बात यह है कि भीम को इतनी गुस्सा आ जाती है, काउदना गुस्सा आई है तो मेरी बिटिया को काट के बोरा में बंद करके अगर नहर में दे दो तो फिर हम कुछ कर ना पाए। तासे कोई और महाराज 2021 की पत्रा में तो कोई लड़का ना आया, 22 की पत्रा में एक लड़का बच्चो है, देख लो देख ले, जब बता महाराज नौकरी कर लो तो पैसा कमा दो तो सही है। आहा तो फिर महाराज लड़का है सही है, घर बार परिवार ठीक है, कौन जल्दी करो तो इतने उतने काय को भटक रहे महाराज, लड़का तुम्हारे दरबार में नौकरी कर रहा है, बढ़िया लड़का है, क्या मतलब? मतलब क्या आएगा बोले सब हम गाल पर तमाचो दिए हैं, तो तुमने कहीं तो बता रहा है, आओ एक कीर्तन बोल लो, ध्यान पट से अलग हो रहा है ना, इसलिए बोलना चाहिए। ना राम